मैसिक बहुत ही पॉपुलर हूँ मैं, ठीक है। और मेरे चैनल पे अब तो सिर्फ मैसिक के वीडियो आ रहे हैं, ठीक है। थोड़े टाइम पहले मैसिक का लेटेस्ट अपडेट आया, ठीक है, लेटेस्ट वर्जन आया पोर्ट किया हुआ, तो उसके ऊपर मैंने वीडियो नहीं बनाया क्योंकि ऑलरेडी वीडियो बन चुके थे, तो मैंने सोचा अब कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है। लेकिन मैसिक का एक फ़ैन एडिशन, जैसा कि आपको पता है वो कोएज फ़ैन एडिशन, पिक्सल एक्सपीरियंस फ़ैन एडिशन आता है, उसी तरह रेडमी नोट 5 प्रो के लिए मैसिक का फ़ैन एडिशन बनाया गया है, पोर्ट किया गया सिंपल वे में। तो मैंने सोचा कि इसके ऊपर वीडियो बनाते हैं, इसके में बहुत सारे फीचर्स मिल जाते हैं, ठीक है, तो वीडियो एंड तक ज़रूर देखना इसके लिए, ठीक है। और दोस्तों मैं क्लियर कर दूँ, ये रेडमी नोट 7 से पोर्ट किया गया है, ठीक है, मॉड नहीं किया हुआ है, ठीक है। तो ये रेडमी नोट 7 के से पोर्ट किया गया है, तो एंड तक वीडियो देखना, इसमें मैं आपको बताऊंगा। तो कुछ लोग सिक्योरिटी पेज लेवल पूछते, तो इसमें हम देख सकते हैं 1 जून 2020 का है, और MIUI वर्जन MIUI 12 बाई मैसिक MDB लिमिटेड लिखा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं अपने फ़ोन वोन, फ़ोन का नाम, रैम सब, ठीक है। लेकिन हम चलते हैं इसके फीचर्स की तरफ। ऑलवेज ऑन डिस्प्ले मिल जा रहा है जो ठीक तरह से काम कर रहा है। इसे 100 आइटम्स 100 टाइम्स, कितने टाइम तक आपको चाहिए और बैटरी सेव ऑन करे तब आपको बंद करना है, ये सब आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो। इसमें काफ़ी सारे AOD मिल जाते हैं, ठीक है, एक दो नहीं बहुत ही सारे हैं, ठीक है। आप देख सकते हो यहाँ पे डिजिटल भी बहुत सारे सिलेक्ट, बैकग्राउंड भी आप सिलेक्ट कर सकते हो। ऑनलाइन आइटम्स पे आप टैप करो, एग्री करो, और आपको यहाँ पे ऑलवेज ऑन डिस्प्ले के और भी ज़्यादा डाउनलोड भी कर सकते हो, ठीक है। आप देख सकते हो यहाँ पे, कितने सारे हैं, ठीक है। और यहाँ पे मैं बात करूँ प्री इंस्टॉल्ड थीम की, तो आपको एक ही थीम मिलती है, ठीक है, MIUI, और दूसरी तो मैंने डाउनलोड की हुई है। और आइकन में आपको यहाँ पे 2 आइकन मिलते हैं, राउंडेड और MIUI वाले, और फॉन्ट भी आपको एक ही मिलता है, ठीक है, जो कि काफ़ी अच्छा है, एक नया फीचर है, ठीक है, कि आप AOD सिलेक्ट कर सकते हो टाइम को। डार्क मोड लेटेस्ट मिलता है, ठीक है, 2.0 ब्राइटनेस, अगर आपको चाहिए कॉलिंग में हाई मैक्सिमम मिले तो भी आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो। फिर गाइज यहाँ पे आपको वही सारे कंट्रोल सेंटर देखने को मिल जाते हैं, ठीक है, मैं सारी चीज़ें नहीं बताऊँगा। तो और अगर आपको वॉलपेपर इंस्टॉल करने हैं, ठीक है, सुपर वॉलपेपर्स, तो 2 APK आपको चाहिए, 2 लिंक्स जो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, APK की लिंक्स, ठीक है। और एक आपको मी हेल्थ ऐप का बग मिलेगा कि रिपोर्ट करो, रिपोर्ट कैंसिल, जो बग रिपोर्ट का है जो थ्रेड आता है वो बार बार आएगा, इसके लिए आपको थोड़ी थोड़ी देर में आएगा, बार बार यानी थोड़ी 1-2 मिनट में एक बार आता रहेगा। उसे फिक्स करने के लिए आपको एक APK चाहिए होगा, जिसकी लिंक मैं छोड़ दूंगा डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पे जाके आप ले सकते, डाउनलोड करके इसे इंस्टॉल कर लेना, ठीक है। और यहाँ पे फुल, यहाँ पे फ्लोटिंग विंडो का भी ऑप्शन आपको देखने को मिल जाता है, ठीक है। गेम टर्बो भी आपको देखने को मिलता है, वीडियो टूल बॉक्स भी देखने को अंदर इसके अंदर मिल जाता है, ठीक है। तो गाइस रोम काफ़ी स्मूथ है, और इसमें जो भी कैमरा के बग थे वो फिक्स कर दिए गए, कि आपकी फ़ोटो खींचते थे और फिर आपको अगर यहाँ पे डिवाइस वाटर मार्क आपको कैंसिल करना पड़ता था, ठीक है, तो वो बग भी यहाँ पे फिक्स कर दिया गया है, आपको अब कोई एरर देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है। तो यही था ये रोम का छोटा सा रिव्यू, इंस्टॉलेशन वही है मैं रिकवरी जो रिकमेंडेड Android 10 सपोर्ट ही है, ठीक है, तो आप उसे इस्तेमाल करना, और बहुत ही अच्छी रोम है, स्मूथ है, ठीक है। अगर मैं बैटरी बैकअप आपको बताऊँ मैंने स्क्रीन टाइम, ठीक है, तो आप देख सकते, मैं आपको बता दूँ स्क्रीन टाइम क्या है, तो यहाँ पे आप स्क्रीन टाइम देख सकते हो, ठीक है। तो मैंने 4 घंटा और 1 मिनट इस्तेमाल किया है, जिसमें से मैंने ज़्यादा पबजी खेला है, ठीक है, मैं आपको बता दूँ यहाँ पे पबजी का दिखा देता हूँ आपको। फोकस मोड भी आपको देखने को मिल जाता है, मैंने 1.5 घंटे से ज़्यादा पबजी खेला, जिसमें कोई सा भी लैग या इश्यू देखने को नहीं मिला, हमें बहुत ही अच्छे से काम कर रही थी हमारी ये रूम, ठीक है, इसमें कोई सा भी इशू नहीं मिला मुझे। तो आप देख सकते हो पबजी मोबाइल 1 आवर 13 मिनट, ठीक है, जो कि काफ़ी अच्छे से काम कर रही है, ठीक है। मैं एक वीडियो लाने वाला हूँ जो टाइटेनियम बैकअप है और माइग्रेट बैकअप है, दोनों को यूज़ कैसे करना है और कौन सा बेस्ट है, मैं रेकमेंड आपसे पूछ रहा हूँ, क्या लाऊँ ये वीडियो, और ये भी मैं वीडियो बन चुका है, बहुत जल्दी वीडियो आ जाएगा कि आप बैंकिंग ऐप कैसे आपके फ़ोन में वर्क करवा सकते हो अगर वर्क नहीं करते। इसमें बैंकिंग वेयर दोस्तों मैं आपको दिखा देता हूँ क्या वर्क करते हैं या नहीं, तो मैं गूगल पे को ओपन करता हूँ, यहाँ पे कहाँ गया हमारा गूगल पे,
तो शायद से मेरा यहाँ पे गूगल पे था, कहाँ गया, ये रहा, आप देख सकते हो। तो देख लेते, तो जी हाँ दोस्तों, गूगल पे वर्क कर रहा है, इसमें ऐसा कोई सच्चा इशू नहीं है, ठीक है। और आपको ये एक वॉलपेपर देखने को मिलता है, ठीक है, और ऐप वॉल भी ठीक तरह से काम कर रहा है। इंस्टॉलेशन प्रोसेस वही है जो आप नॉर्मली दूसरे जो भी रोम इंस्टॉल करते हो वही है, ठीक है। गैलरी में अगर आपको बात करूँ तो स्काई मोड देखने को मिल जाता है, अगर यहाँ पर मैं देखा दूँ आपको, सॉरी कि ये सारे फ़ोटोज हाइंड हो गए, ठीक है, पर कुछ प्राइवेसी इशू के लिए, ठीक है, स्काई फिल्टर आपको यहाँ पर देखने को मिल जाता है, ठीक है, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। रूम काफ़ी मैंने कहा स्मूथ है, इसमें कोई अच्छा सा इशू नहीं है। कंट्रोल सेंटर ठीक तरह से काम कर रहा है, लेकिन मुझे ज़्यादा पसंद नहीं है, इसीलिए मैं यूज़ नहीं करता उसे, ठीक है। तो वीडियो को अगर पसंद आया तो लाइक कर देना, और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब भी कर देना, और वीडियो को लाइक फिर से कह रहा हूँ कर देना। और मैं ऐसे के वीडियोज़ आप बहुत ही ज़्यादा सपोर्ट दिखाते हो, तो यार प्लीज़ इस वीडियो पर भी सपोर्ट दिखाओ। लेकिन बहुत सारे लोग सब्सक्राइब नहीं कर रहे यार, तो सब्सक्राइब भी करो यार प्लीज़। व्यूज़ बहुत आ रहे हैं, सब्सक्राइबर बढ़ नहीं रहे उस हिसाब से, तो यार प्लीज़ सब्सक्राइब करो चैनल को, सपोर्ट दिखाओ यार। और वॉच टाइम हमारा 70% भी नहीं है अभी, तो सिर्फ अभी मैंने जो पुराना वीडियो था उसके ऊपर एवरेज वॉच टाइम सिर्फ और सिर्फ 60% है। तो यार प्लीज़ वॉच टाइम को भी मेरे थोड़ा सा इंक्रीज करो, ताकि मेरा मोनेटाइजेशन भी बहुत जल्द इनेबल हो जाए। तो बस आज के वीडियो में इतना ही, और मैं ट्राई कर रहा हूँ वॉइस क्वालिटी सब इम्प्रूव करने की यार, तो आप सपोर्ट दिखाओ यार। अब मैं धीरे धीरे और भी क्वालिटी कंटेंट लाऊँगा, ठीक है, तो यार प्लीज़ चैनल को सपोर्ट ज़रूर दिखाना। थैंक यू।